हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ पीरियड के बारे में और अनसेफ पीरियड के बारे में। सेफ पीरियड यानी कि पीरियड्स के कौन से दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस ना के बराबर होता है। अनसेफ पीरियड यानी कि पीरियड्स के कौन से दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस बनता है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जिसको कि हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। एक महिला के पीरियड साइकिल में हर दिन रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी रुकने का चांस नहीं होता है। कुछ ही दिन होते हैं जिस दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस होता है, और बाकी सब दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। जिस दिनों में रिलेशन बनाने से आपका प्रेगनेंसी का चांस बनता है उस दिन को हम अनसेफ पीरियड बोलते हैं या फिर फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, और जिन दिनों में रिलेशन बनाने से आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस ना के बराबर होता है उसको हम सेफ पीरियड मानते हैं। जनरली हर महिला का जो पीरियड साइकिल लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। किसी किसी महिला का पीरियड साइकिल लेंथ 21 दिन का होता है, बहुत सारे महिलाओं का पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन का होता है, बहुत सारे महिलाओं का पीरियड साइकिल लेंथ 32 से लेकर 35 दिन का होता है। तो अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 35 दिन का होता है तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। बहुत सारे महिलाएं ये पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने में गलती करते हैं। तो आप पीरियड साइकिल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज आपका पीरियड सितंबर 1 को स्टार्ट हुआ, यानी कि ब्लीडिंग सितंबर 1 को स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ आपका पीरियड का स्टार्टिंग डे। अगर आपका नेक्स्ट पीरियड अक्टूबर 1 को स्टार्ट होता है, यानी कि उस दिन आपका ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट होता है, तो सितंबर 1 से लेकर अक्टूबर 1 इस दो दिनों में जितना भी गैप होता है, यानी कि जितने दिनों का गैप होता है उसको हम पीरियड साइकिल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर सितंबर 1 से अक्टूबर 1 तक लगभग 30 डेज का गैप है, यानी कि आपका पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज का है। कभी कभी पीरियड साइकिल लेंथ एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी परेशानी का बात नहीं है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 35 दिन तक है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 35 दिन का है तो जिस दिन भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि जिस दिन भी आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, आप उसको डे 1 मान के चले, और डे 10 से लेकर डे 20 तक आपका अनसेफ पीरियड होता है। यानी कि अगर आप डे 10 से लेकर डे 20 तक रिलेशन में रहते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस बनता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पीरियड के डे 10 से लेकर डे 20 तक आप हर दिन या फिर हर दूसरे दिन रिलेशन में रहिए। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आपको ये डे 10 से लेकर डे 20 तक बिल्कुल भी रिलेशन में ना रहिए। डे 20 से लेकर डे 30 या फिर 32 डे तक, या फिर पीरियड के स्टार्टिंग दिन से डे 10 तक आपका सेफ पीरियड होता है, यानी कि अगर आप इस पीरियड के दौरान रिलेशन में रहते हैं तो आपका प्रेगनेंसी के चांस ना के बराबर होता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हर महिला का पीरियड साइकिल लेंथ में मिडिल का जो 10-12 दिन होता है वो हाईली अनसेफ होता है, यानी कि उस दौरान प्रेगनेंसी ठहरने का पूरा चांस होता है। लेकिन पीरियड साइकिल लेंथ का पहला 10 दिन और 20 से लेकर 30 दिनों तक सेफ होता है। अगर उस दौरान आप रिलेशन में रहते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस लगभग ना के बराबर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।